मैं सिर्फ एक चीज पूछना चाहता हूं आपसे कि नीट की तैयारी बेटा, देखो यार बैच में मोस्टली चीज़ें बहुत अच्छी चल रही, तुम्हें पता है, हमें भी। अब जहाँ एक जो इंसान जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे गद्दारी कर रहा है वो तुम खुद हो, तुम्हें पता है। नीट की तैयारी आपके लिए क्या है? नीट की तैयारी आपके लिए क्या है? ये आपकी एक चॉइस है, ये आपकी मजबूरी। 91% बच्चों को लगता है ये उनकी चॉइस है, 10% लगता है। तो भाई जिसकी मजबूरी है जीवन में कुछ और करो। अगर पेरेंट्स फोर्स करके तुम्हें नीट की तैयारी करा रहे हैं, हो सकता है नीट निकल भी जाए, तुम एक अच्छे डॉक्टर नहीं बनोगे, कभी खुश नहीं रहोगे। जो इंसान खुद खुश नहीं रहता दूसरों को खुश नहीं रख सकता, अपना काम अच्छा नहीं करेगा, तुम्हारा उसमें इंटरेस्ट नहीं। जिनकी चॉइस है उनसे मेरा सवाल है कि 91% कह रहे हैं, अगर कोई चीज तुम्हारी चॉइस है तो तुमको इस चीज को करने के लिए मोटिवेशन क्यों चाहिए? तुमने खुद चुना है, तुम खुद चाहते हो, तो तुमको मोटिवेशन क्यों चाहिए? एवेंजर्स की मूवी आती है, देखना हमारी चॉइस होती है। क्या हम अपने दोस्तों से कहते हैं प्लीज मुझे मोटिवेट कर कि मैं एवेंजर की मूवी चला जाऊं? प्लीज यार, प्लीज पिंकी, प्लीज मेरे को कुछ ऐसा बोलना पिंकी कि मेरे मोटिवेट हो जाऊं और एवेंजर्स की मूवी देखाऊं। प्लीज प्रिया, मेरे को थोड़ा सा मोटिवेशनल लेक्चर दे कि मैं एवेंजर का मूवी देखाऊं। नहीं, खुद से चले जाते हैं, टिकट भी खरीद लेते हैं, पॉपकॉर्न भी ठूस लेते हैं। इफ इट्स योर चॉइस यू डोंट नीड मोटिवेशन। जब भी ऐसा लगे कि नीट की तैयारी पे डाउट हो, अपने से यही सवाल पूछना है कि क्या ये मेरी मजबूरी है या ये मेरी चॉइस? इफ इट्स योर चॉइस देन इट्स क्लियर कि यू हैव चूज़न। अब निभाना तुमको, तुमने खुद चूज़ किया। मिडवे आके ना बहुत से बच्चे कहते हैं अरे नहीं यार गलत हो गया, ऐसा हो गया। तुम्हें हर बार यही लगेगा, हर राह पे तुम चलोगे एक बार सोचोगे कि ये राह मैंने पकड़ लिया, अब इस राह पे चलूंगा, थोड़ी दूर जाके थक जाओगे, थोड़ी देर जाके उबासी आ जाएगी, थोड़ी देर जाके बोरियत आ जाएगी, क्योंकि छोड़ते हैं कुछ और करते हैं। अपने माँ बाप को देखा है, अभी पूछ रहा हो, एक बच्चा पूछ रहा है विल पावर कहाँ से लाए? अपने बाप से लाओ यार विल पावर, अपनी माँ से लाओ विल पावर। विल पावर कहाँ से लाए? सुबह उठ के रोज ऑफिस जाना, शाम को घर आना, थोड़ा सा तुमसे बात करना, खाना खाना, घर की सारी जो भी घर में जितनी चीजें मची रहती है उसको संभालना, घर मैनेज करना, सोना, सुबह उठ के ऑफिस जाना, ऑफिस में बॉस के साथ ये पूरे ऑफिस में काम करना, तुम्हारे लिए स्ट्रगल करना, धूप में ऑफिस पहुंचना। ऑफिस लाइफ ईजी होती है क्या? तुम्हें क्या लगता है? इतना वर्क प्रेशर होता है, शाम को आना तुमसे प्यार से बात करना, अरे मेरा बच्चा कर लेगा कर लेगा, क्या चाहिए मेरे बच्चे को? मोबाइल ये ले, क्या चाहिए मेरे बच्चे को? खाना ये ले, क्या चाहिए मेरे बच्चे को? ये जूता नया ले ले। सर पापा आपको जूता? कोई बात नहीं, ठीक है थोड़ा ही तो फटा है चल जाएगा, वहां से लाओ विल पावर। और क्या, मेरे से लाओ गया विल पावर? मैंने थोड़ी तुम्हारे लिए कुछ किया, तुम्हारे माँ बाप ने किया, वहां से विल पावर नहीं आ रही है तो लालत है तुम्हारी जिंदगी पर। हम बोर हो गए नीट की प्रिपरेशन से, बड़ी बोरियत है, बड़ी हार्ड है। तुम्हारे बाप का काम भी तो बहुत हार्ड है, वो तो कर रहे हैं ना तुम्हारे लिए, वहां से भी नहीं आ रहा मोटिवेशन, तो मेरे से तो क्या ही आएगा, कुछ नहीं आएगा।